Guys, welcome back to my channel. I hope every single person is doing great. As you all know, today is Sunday and the time duration is around 8:54 a.m. in the morning, and right now I'm creating a session for you guys regarding two different topics. The first thing is embassy mein direct appointment. Hum apna submission kar sakte hain kisi candidate ne iske regarding question pucha to uske bare mein baat kar lete hain. Aur iske alawa jo other question hai ki jaise agar India se agar koi apply karta hai, jaise bahut sare candidate aise hote hain jo graduation kare rehte hain aur फिर वो ब्लू कॉलर जॉब में अप्लाई करते हैं. जब ब्लू कॉलर जॉब में अगर वो लोग अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पर उनका क्या होता है, एक्सपीरियंस भी रेलेवेंट होता है. इंडिया के अंदर किसी प्रोफेशनल फॉर्म में वर्क करते हैं, एज अ प्रोफेशनल एम्प्लॉय वर्क करते हैं. जैसे टाइप होता है आपका, एक ब्लू कॉलर टाइप होता है और दूसरा व्हाइट कॉलर टाइप होता है. तो इंडिया के अंदर वो व्हाइट कॉलर जॉब करते हैं, बट अगर इंडिया से बाहर कहीं इमिग्रेट करते हैं, जैसे पोलैंड के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस टाइम पर वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एप्लीकेशन अपनी ब्लू कॉलर के अंदर फाइल करते हैं. तो अब उसमें प्रोसेस कैसे करना है या फिर कैंडिडेट अपना अप्लाई कर सकता है, क्या क्या चीज़ों को उसको देखना पड़ेगा. अदरवाइज ऐसा है कि रिजेक्शन आने के हाई चांसेस होते हैं, क्योंकि अगर आपने थोड़ा भी डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर कर देते हैं, प्रॉब्लम ऐसा होता है आपका तो इंटेंट टू स्टे वाला जो आपका 10 नंबर पॉइंट का रिजेक्शन आता है उसमें आपको रिजेक्शन मिल जाता है, एंड देन दोबारा अप्लाई करेंगे फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ऑलरेडी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए होंगे आपने और वो इम्पैक्ट आपकी प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा करते हैं. अगर आप इंडिया से जा रहे हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं वो इंडिया में ब्लू कॉलर जॉब करते हैं या फिर अदरवाइज या फिर कुछ काम कर ही नहीं रहे, किसी का अपना बिजनेस है, वो इंटायरली डिफरेंट थिंग है. और इसके अलावा द थिंग इज बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ऐसे होते हैं जिसने ग्रेजुएशन करा होता है उसके बाद अप्लाई करते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं वो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद उनको 2-3 साल का एक्सपीरियंस है प्रोफेशनल फॉर्म में व्हाइट कॉलर जॉब में, देन दे आर अप्लाइंग फॉर द पोलैंड. और उनको डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है उसके बारे में बात कर लेते हैं, और अगर डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो आपको क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना है तो उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस आपको कैसे करना है उसके बारे में बता दूंगा. एंड देन लेटर ऑन देयर इज वन मोर थिंग. बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिसने ग्रेजुएशन किया होता है, उसके अलावा उसके पास क्या होता है, व्हाइट कॉलर जॉब का एक्सपीरियंस होता है, और वो लोग ब्लू कॉलर में एज अ पाथवे यूज़ करते हैं, पोलैंड चले जाते हैं और 6-7 महीने के लिए उसमें काम कर लेते हैं. जैसे उनका TRC आ जाता है, TRC के बाद उनके वर्किंग राइट्स रहते हैं, देन वो लोग क्या करते हैं कहीं और अप्लाई कर लेते हैं, वहाँ पर किसी और कंपनी में अप्लाई करते हैं जो उनके डोमेन की होती है. जैसे इंजीनियर्स होते हैं या फिर अपना कोई कंसल्टेंट है या फिर किसी ने ग्रेजुएशन करा है, अकाउंटेंट है. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स हैं, डिफरेंट अगर देखा जाए तो आपके डोमेन्स हैं उसमें कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फाइल करता है. तो उसके बारे में आपको क्या करना, अगर आप इंडिया से जा रहे हैं और ब्लू कॉलर में आपने अप्लाई करा, जैसे वेयर हाउस वर्क है और इसके अलावा आपका फैक्ट्री वर्कर के अलावा अदर भी होता है, जैसे कोई मीट प्रोसेसिंग में होता है या फिर कोई सीजनल वर्क परमिट अप्लाई करता है, एग्रीकल्चर वर्क होता है, इसके लिए अप्लाई करता है. उस केस में आपको क्या करना है, जो आपका मैक्स टू मैक्स आप कितना दिखा दें, 12th तक अपना हायर सेकेंडरी का अपना सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं. एक हायर सेकेंडरी का आपको सर्टिफिकेट मिलता है और जो 12 का आपका रिजल्ट होता है आपको वो शो करना है. उसके अलावा ग्रेजुएशन शो मत करना, ग्रेजुएशन अगर आप शो करते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आपका जो इंटेंशन है उसमें प्रॉब्लम आती है. क्योंकि अगर आपको जो इमिग्रेशन पैनल वाले रहते हैं जो आपके डॉक्यूमेंट इवेल्युएट करते हैं, उन लोगों को एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि जो कैंडिडेट इंडिया में व्हाइट कॉलर जॉब कर रहा है, देन लेटर ऑन अगर किसी का और अदर कंट्री में जाता है और वहाँ पर वो ब्लू कॉलर जॉब कर रहा है, तो उसके पीछे का रीज़न यही रहता है कि कैंडिडेट क्या करता है किसी भी तरीके से, जैसे यूरोप है, यूरोप में कहीं भी एंट्री लेना चाहता है और लेटर ऑन क्या करेगा, 1 साल के अंदर अपना काम छोड़ के कहीं और इलीगली इमिग्रेट कर लेगा या फिर पोलैंड छोड़ के कोई और यूरोपियन कंट्री के अंदर मूव कर लेगा. तो फिर ये क्वेश्चन अराइज होता है. इसके अलावा या फिर जिस काम के लिए आ रखा है उसमें वो लॉन्ग टर्म तक का काम नहीं करेगा, जो उसका मोटिव है वो क्लियर नहीं है, ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं और इसमें रिजेक्शन पॉइंट नंबर 10 आने के हाई चांसेस रहते हैं. तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं अगर प्रोसेस के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं. इस केस में प्राइमरीली आपको क्या करना पड़ेगा, अपने CV में भी ऑल्टरेशन करने पड़ेंगे आपको. 12th तक अपना एक्सपीरियंस दिखाओ, इसके अलावा आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं कि अगर मैं आप कुछ काम कर रहे थे, अगर बिजनेस है तो बिजनेस का शो कर सकते हैं, बिजनेस आप अपना पूरा देख रहे थे, एंड देन लेटर ऑन अगर एग्रीकल्चर वर्क है तो उसका बता दो कि एग्रीकल्चर आप देख रहे थे. CV वगैरह में कुछ ऐसा हाउसहोल्ड मेंशन कर सकते हैं, अगर किसी घर का काम करें, फार्मिंग का काम है या फिर अलग कोई रेलेवेंट आपका वेयर हाउस है, कोई स्टोर है. बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं उनका फैमिली बिजनेस होता है, कोई स्टोर्स वगैरह होते हैं, उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ नॉट अ बिग डील. और 12th के बाद का एक्सपीरियंस मत दिखाना अगर आप ब्लू कॉलर जॉब के अंदर वहाँ पे जा रहे हैं. अगर ब्लू कॉलर कैटेगरी ऐसी है उसके लिए उसमें इतने पढ़े लिखे ग्रेजुएट रिक्वायर्ड नहीं रहते, आपको भी पता कोई भी बंदा काम कर सकता है, जो 10 पास है 12 पास है वो उसमें इस कैटेगरी के अंदर वर्क कर सकता है. क्योंकि जो काम है आपका, अगर ये काम देखा जाए तो लेबर कैटेगरी वाला है, अगर ब्लू कॉलर के अंदर देखा जाए तो फिर जो वर्क होता है टाइप इंटायरली डिफरेंट है, इसमें इतने पढ़े लिखे लोग नहीं चलते. और अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर इंडिया से इस काम के लिए दूसरी कंट्री में क्यों आएंगे, अगर इंडिया के अंदर कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, इंटेंशन उनको क्लियर आउट हो जाते हैं. और इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ता है. अगर अभी भी कह रहा हूँ कोई कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है तो 12th के बाद का अपना एक्सपीरियंस मत शो करना, और उसके अलावा जो आपका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और डॉक्यूमेंट अपने ग्रेजुएशन के शो मत करना, अदरवाइज रिजेक्शन आने के आपके चांसेस होंगे. इतना पढ़ा लिखा बंदा ब्लू कॉलर जॉब के लिए दूसरी कंट्री में क्यों जाएगा, पहला क्वेश्चन आपका ये आता है. और दूसरा, अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसको भी प्रॉब्लम करता है. अगर आपके ऐसे डॉक्यूमेंट हो तो आप क्या करो,
अगर जो बंदा 12 तक का पास है उसके लिए तो सही है, उसका कोई इशू नहीं है। और उसके अलावा कोई कैंडिडेट ऐसा है अगर उसका किसी और डोमेन में एक्सपीरियंस है तो फिर अपना CV में थोड़ा आप चेंजेस कर सकते हैं, कवर लेटर अपना खुद बनाना जिसमें 12th का आप शो करना। उसके अलावा कोई अगर कुछ फैमिली वर्क कर रहे हैं तो बिजनेस का आप शो कर दो, एंड देन इतना आपका चेक नहीं होता। बट एडिशनल आप ऐड करोगे तो फिर इमिग्रेशन पैनल को पता चल जाता है और डिसीजन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता उनका, सीधे रिजेक्शन आपका लगा देंगे उसके अंदर। अगर व्हाइट कॉलर जॉब में जा रहे हैं तो दैट इज एंटायरली डिफरेंट थिंग। अगर स्किल कैटेगरी के अंदर जा रहे हैं तब तो खैर आपको शो करना पड़ता है। अगर आपको बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जिनका पोलैंड से वर्क परमिट आता है या फिर किसी कंपनी में डायरेक्ट अप्लाई करते हैं, वहाँ क्या होता है इंजीनियर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा होता है, उनकी सैलरी वगैरह 20,000 PLN, 15,000 PLN पर मंथ की रहती है, तो उनको तो खैर अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करने पड़ते हैं क्योंकि कंपनी उनका पूरा देखती है। और जो व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर होते हैं बहुत कम कैंडिडेट होते हैं तो उनके तो खैर वीज़ा लगने के चांसेस आई गेस 95-98% तक का रहते हैं अगर व्हाइट कॉलर जॉब आपकी है तो पोलैंड के लिए। उसमें ऐसा होता है जो कंपनी की इमिग्रेशन टीम होती है, जो लीगल टीम होती है, वो लोग आपको अपॉइंटमेंट भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगर प्रोसेस के बारे में देखा जाए तो उसमें इतना प्रॉब्लम नहीं रहता अगर व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर आप कहीं पर जाते हैं, क्योंकि ऐसा होता है इंडिया के अंदर से 2-3-5 इतने कैंडिडेट लोग अपना लेते हैं, एंड देन अगर रिक्वायर्ड कैटेगरी में है तो जो उनकी लीगल टीम होती है उनके लिए अपॉइंटमेंट भी अरेंज करा देती है एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करके। और अगर व्हाइट कॉलर जॉब के लिए जा रहे हैं तो उसमें कंपनी पूरा देखती है, अगर आपका कोई कंपनी में हो जाता है तो कंपनी की एक लीगल टीम होती है जो आपका इमिग्रेशन वगैरह सारा देखती है, तो लोग पूरा आपका एंड टू एंड वर्क करके आपको प्रोवाइड करते हैं। उस केस में तो जो आपके डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस लेटर, वो सब शो करना पड़ता है। अगर आप ब्लू कलर जॉब में जा रहे हैं डी कैटेगरी में तो उसमें एंटायरली डिफरेंट प्रोसेस रहता है। डी कैटेगरी का अगर देखा जाए तो उसमें अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता है और सारा काम आप खुद ही करते हैं, जो आपके एजेंट आपको वर्क परमिट प्रोवाइड करते हैं, एंड देन लेटर ऑन फाइलिंग का काम आप खुद करते हैं। अगर एंड टू एंड आपको सर्विस प्रोवाइड नहीं करें, अपॉइंटमेंट खुद बुक करते हैं, तो इसमें जो डॉक्यूमेंट है आपको खुद बनाने पड़ते हैं और थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लोगों के पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं होता, तो इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। और इसके अलावा एक कैंडिडेट है, उसने मेरे को अभी पूछा क्वेश्चन में, उसका एजेंट ऐसा कह रहा है कि डायरेक्ट एम्बेसी के अंदर सबमिशन कर देगा, ये पॉसिबल है या नहीं है? द क्वेश्चन टू दिस पर्टिकुलर थिंग इज, एम्बेसी के अंदर डायरेक्ट आपका सबमिशन कोई नहीं कर सकता। अगर एम्बेसी के अंदर का प्रोसेस अभी देखा जाए तो उन लोगों ने क्या किया, VFS को आउटसोर्स कर दिया और VFS पूरे प्रोसेस को अभी देख रहा है। अगर VFS आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करता है एंड देन वो एम्बेसी में आपके डॉक्यूमेंट प्रोवाइड पहुंचाता है, एंड देन वहां से एम्बेसी रिजल्ट आता है, एंड देन दे शेयर द इन्फॉर्मेशन विद VFS टीम। तो एम्बेसी के अंदर ऐसा कोई डायरेक्ट आपका अपॉइंटमेंट नहीं मिल सकता अभी के टाइम पे, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉ का ऑप्शन नहीं है, और इसके अलावा जो प्रोसेस है पूरा VFS को आउटसोर्स कर दिया। अगर एजेंट आपको ऐसा कह रहा है तो इसका मतलब स्कैम कर रहा आपके साथ। ऐसा कोई लिंक नहीं है कि आपको डायरेक्ट वहाँ पे भेज दे और आपका सबमिशन कर दे, ऐसा प्रोसेस अभी वर्क नहीं कर रहा, तो आपको इसमें थोड़ा अवेयर रहना पड़ेगा, अदरवाइज पैसे लेके आपका स्कैम भी हो सकता है आपके साथ। अभी ऐसा प्रोसेस वर्क नहीं कर रहा, इसके लिए मैं अवेयरनेस वीडियो भी बना रहा हूँ। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट को एजेंट लोग ऐसा कहते हैं डायरेक्ट वहाँ पर सबमिशन कर देंगे, या फिर द अदर थिंग इज आपको वहाँ पे जाना ही नहीं पड़ेगा, आपका वीज़ा लग के आ जाएगा। ऐसा प्रोसेस वर्क नहीं करता, अपॉइंटमेंट पहले आपको लेना पड़ेगा VFS के अंदर, एंड देन डॉक्यूमेंट अपने सबमिशन करने हैं, एंड देन 15-20 डेज के अंदर आपका रिजल्ट आएगा, फिर VFS आपको रिजल्ट बताएगा। डायरेक्ट एम्बेसी में अभी भी कह रहा हूँ नहीं होगा, अगर अप्लाई करते हैं उसके थ्रू पैसे आपके ले लेगा और थोड़ा स्कैम हो जाएगा आपके साथ, थोड़ा क्या बहुत स्कैम हो जाएगा, पैसे से आपके सारे डूब जाएंगे इसमें। अगर जो भी लोग इस चैनल से एसोसिएटेड हैं, अगर उनको कुछ नई डील वगैरह मिलती है या फिर एजेंट अगर आपको कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जिसमें आपका डायरेक्ट सबमिशन डायरेक्ट वीज़ा आता है, तो एक बार कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पिंग कर दो, मैं क्लेरिफाई कर दूंगा। राइट नाउ थिंग इज बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं इसमें, स्कैमर्स की टीम बैठी है और ऐसा कहेंगे कि आपको सारा प्रोसेस पूरा करके दे देंगे, बट ऐसे होता नहीं है। अगर जो आपका एजेंट है, एजेंट को भी आपको मैनुअल, एजेंट के ऐसे कोई लिंक्स नहीं होता और ऐसा कुछ प्रोसेस वर्क नहीं करता, जैसे मैं इस प्रोसेस में काम कर रहा हूँ वैसे एजेंट लोग भी करते हैं। और अगर एजेंट आपको कह रहा है डायरेक्ट आपका सबमिशन कर देगा तो ऐसा नहीं होगा। अगर वीडियो में मैं भी कह दूँ आपको आपका डायरेक्ट सबमिशन कर दूंगा, वो पॉसिबल है ही नहीं, ऐसी बात है। अगर आप मेरे को फाइल वगैरह दोगे तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं इसमें, जो सिस्टमैटिक प्रोसेस है वही फॉलो करना पड़ेगा। और वीज़ा रेशियो के बारे में आपको सब चीज़ पता है, बहुत सारे ईमेल मेरे को भी आते हैं एज ए अपना अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग, तो ऐसा है कि अपॉइंटमेंट में मैं डील नहीं करता हूँ राइट नाउ, पेड अपॉइंटमेंट, और आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन हाउ द प्रोसेस इज वर्किंग। और आप लोगों को थोड़ा भी अवेयर रहना पड़ेगा इस चीज़ के लिए और कैसे प्रोसेस वर्क करता है, ऐसी चीज़ों में अपना फंसू मत। और अगर कोई ऐसे आपको कुछ सॉल्यूशन ऑफर करता है तो उसको ऐसा करो कि उसको डायरेक्ट मना कर दो, अदरवाइज ऐसा होगा लास्ट में ऐसा होगा पैसे से आपके डूब जाएंगे। उसके बाद ऐसा होता है कि हर आदमी फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत टाइम से अपॉइंटमेंट नहीं मिला, सब लोगों को ऐसा चाहिए कि वीज़ा लग जाए और वहाँ पे पहुँच जाए, बट दैट इज़ नॉट पॉसिबल। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, आपको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई आपको न्यू डील्स प्रोवाइड कर रहा तो वो वर्क नहीं करती आपके नॉर्मल प्रोसेस में, अभी के लिए आप वेट कर लो। और इसके अलावा अदर क्वेरीज हैं उसके बारे में दिन में जैसे टाइम लगेगा उसके उस टाइम पर बात कर लेंगे। और राइट नाउ इंडिया के अंदर अभी भी कह रहा हूँ एम्बेसी से प्रोसेस नहीं हो रहा, VFS के थ्रू हो रहा, सो यू हैव टू फॉलो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस। अभी क्या करते हैं, अभी सेशन को एंड कर रहा हूँ। अगर
कुछ क्वेरीज वगैरह होंगे यू कैन आस्क मी राइट नाउ, अदरवाइज दिन का टाइम लगेगा तो एक सेशन बना लूंगा, अदरवाइज लाइव सेशन बनाने की कोशिश करूंगा. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माइन एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. हैव अ नाइस वीकेंड.